जीएस का हमारा एक बहुत बेस्ट टॉपिक आता है खनिज यानी कि मिनरल। मिनरल में जो आपका एक टॉपिक बहुत अच्छा है वो क्या है, कोल या कोयला के नाम से जानते हैं। कोयले के प्रकार से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है, सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण कोयला कौन सा है, सबसे निम्न क्वालिटी का कौन सा क्या है कोयला है, या सेकंड सबसे अच्छा, सेकंड सबसे खराब। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। मित्रों ये आप ये जो चीज लिखा है ये चीज आप गाइड में भी दे सकते हो, आप लूसेंट ऐसे बहुत सारे गाइड हैं आप उसमें भी दे सकते हो, लेकिन इसके आगे जो आपका ट्रिक है वो आपको मैं यहीं पर याद दिला दूंगा। तो 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा लेकिन आप पूरा यही याद करके जाओगे। मित्रों मैं हूं राजेश और आपको कंप्यूटर विज्ञान संबंधित हर जानकारी चैनल पर मिलती रहेगी, तो प्लीज मेरे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोयले के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कोयला, इतना चीज तो सबको पता है यानी, और जो आपके कोयले के प्रमुख जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बाकी अगर हम विस्तृत में जानना चाहें तो कम से कम 8 प्रकार के आपके कोयला होता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हमारा एंथ्रेसाइट, पर थोड़ा बेसिक समझिए, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट एंड पीटू। बात यहीं तक नहीं रुकती है, आप इसको इसको याद करना है। तो हम कैसे याद करें, तो यहां पर अच्छे से देखिए, यहां पर एंथ्रेसाइट है, यहां पर एंथ्रेसाइट, यहां पर बिटुमिनस, यहां पर लिग्नाइट, यहां पर पीटू। अच्छा जो पीटू होता है उसे हम 2-3 नाम से जानते हैं, एक तो पीटू हो गया, जो सेकंड होता है वो क्या होता है पिट के नाम से भी जानते हैं, और जो इसका तीसरा नाम भी है वो क्या है सबटुमिनस भी है। तो ध्यान है 99% चांस है कि आपके एग्जाम में पीटू आएगा, सेकंड हो सकता है कि पिट आ जाए या सेप्टिमिनस आ जाए, तो आपको करना है। बात यहां तक नहीं रुकती, आगे भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो इनमें, क्योंकि जो आपका कोयला होता है वो कार्बन का कहीं ना कहीं अपर रूप होता है, तो किस कोयले में कितना कार्बन पाया जाता है उसी के आधार पर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा कोयला अच्छा है कौन सा कोयला बेकार है। तो देखिए जो आपका एंथ्रेसाइट होता है इसमें लगभग में आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें 90% अप्रोक्स के कोयला पाया जाता है। गाइड में आप देखोगे तो थोड़ा रेंज मिलेगा लेकिन इसी के अप्रोक्स, फिर जब इसमें आप देखोगे तो मेरे दोस्त 80% पाया जाता है, इसमें जब आप देखोगे तो 30%, इसमें जब आप देखोगे तो 25%, ये आपके क्या है प्रतिशत है कार्बन के। और कुछ कुछ चीजें और होती हैं जो पाई जाती हैं कोयला में। देखिए ध्यान है जब आप इनको चारों को पढ़ोगे तो जब इसमें मैंने एक चीज हाईलाइट किया हुआ है जिसका जो फर्स्ट लेटर है इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं है ना, इसका फर्स्ट लेटर जो क्या करते हैं हम लोग चुरा लेते हैं। तो यहां पर होगा ए बी एल पी, ये से क्या होगा एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस और एल से लिग्नाइट, पी से क्या होगा आपका पीटू होगा। जब एक चीज आप इनको अच्छे से देखोगे मेरे दोस्त तो ये बी एल पी ये क्या करते हैं जो हमारा अल्फाबेट होता है यानी कि जो हमारा वर्णमाला होती है इंग्लिश की वर्णमाला अल्फाबेट, इंग्लिश की अल्फाबेट जो बेट होता है उसमें जब आप देखोगे तो ये बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में यानी इधर का कोयला सबसे अच्छा, और जैसे इधर जाओगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी कोयला क्या होता खराब होता जाएगा है ना। यानी कि हमें याद क्या रखना है ए बी एल पी, हमको क्या याद रखना है ए बी एल पी याद रखना है ए बी एल पी, ये बी एल पी, ये से क्या होगा एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस और सी क्या होगा एल से लिग्नाइट, और पी से क्या होगा आपका क्या होगा पीटू होगा। अगर मान लीजिए कहीं सबटुमिनस आ गया तो क्या याद रखेंगे, मान लीजिए नहीं तो यहां पर पी एस कर देंगे तभी भी अल्फाबेट के साथ हमारा सही है, तो ये बी एल एस, लेकिन 99% चांस होता है कि मतलब पी ही आता है। तो ये बी एल पी आपको याद रखना है और आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा आप कर लीजिएगा, रेंज थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसी रेंज में ये जो हमारे कोयले की जो शुद्धता होती है वो होती है। तो ये बी एल पी आपको याद रखना है, 100% आप एग्जाम में सही करके आओगे अगर आप इसको ध्यान से देख लिए। एक बार दोबारा हम रिवाइज करवा दें, ये बी एल पी, ये फार क्या होगा एंथ्रेसाइट, बी फार बिटुमिनस, एल फार लिग्नाइट एंड पी फार पीटू या पिट, बस इतना याद रखिए, 100% आप क्वेश्चन करके आओगे। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया कि सेकंड सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, दूसरा सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण कोयला कौन सा होता है एग्जाम में आपके ये है, तो कैसे याद रखोगे ये बी एल पी, तो ये बी, सेकंड कौन था बी था है ना, तो बी बी फॉर बिटुमिनस, सेकंड सबसे खराब है ना, दूसरा सबसे खराब कोयला कौन सा है ना, तो कैसे आप याद रखोगे तो ये बी एल पी, तो जब आप देखोगे तो लास्ट वाला पी आता है लेकिन जो सेकंड जब लास्ट से देखोगे क्या आ रहा है हमारा एल आ रहा है लिग्नाइट। तो ऐसे याद कर लिए सबसे अच्छा कोयला ये, उसके बाद में बी, उसके बाद में एल, उसके बाद में पी, तो ये भी एल पी याद रखोगे। आई होप आप इस चीज को समझ गए हो। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दिया मत भूलिएगा, तथा करेंसी से रिलेटेड अगर आपको ऐसी ट्रिक चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, जाकर आप उसे जरूर देखिएगा। जय हिंद।
वंदे मातरम।